नमस्कार मैं उमेद दुग्गर जैन वास्तुशास्त्री आज फिर एक बार आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है या विषय है उसका वास्तु अनुसार रसोई में ऐसे रखें तवा जगेगा मुकद्दर बढ़ेगा धन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि घर में तवे का कितना महत्व है वास्तु व ज्योतिष में तवा ग्रह से संबंधित माना गया है बहनों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रसोई में तवा कहाँ व कैसे रखा जाना चाहिए सही जगह और सही तरीके से रखा गया तवा बदल सकता है मुकद्दर, दे सकता है धन दौलत रसोई में देवी अन्नपूर्णा का वास है धन दौलत लक्ष्मी कहते हैं रात को रसोई में भ्रमण करती है धन दौलत की देवी इसलिए तवे पर कुछ विशेष सूत्रों का कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा तवा कभी भी गंदा न रखें कई बार उसके ये जैसे पपड़ियाँ सी जम जाती है पपड़ियाँ उतरने लगती है उसको वो घर में दो मेल या पुरुषों के लिए वो ठीक नहीं मांगा गया इसलिए नींबू व नमक और गर्म पानी से तवे को साफ़ करते रहना चाहिए कई बार ये जैसे नुकीली चीज़ों से रगड़ रगड़ करके तवे को साफ़ करते हैं नुकीली चीज़ों से कभी भी रगड़ करके तवे को साफ ना करें जैसे मैंने पहले बताया नींबू नमक और गर्म पानी से इसको साफ़ करना चाहिए कई बार ये गर्म तवे पर ऐसे पानी के छींटे मारते हैं देखने के लिए या किसी भी कारण से तवे पर कभी भी गर्म पानी के छींटे ना डालें इससे जो छन्न की आवाज़ होती है वह बहुत अशुभ है परिणाम क्या होता है पति नशे का शिकार बच्चों पर राहु का कुप्रभाव हो जाता है मन में दूषित विचार आने शुरू हो जाते हैं मन कमज़ोर हो जाता है संघर्ष लाइलाज रोग पैदा हो जाते हैं यह सब राहु के प्रभाव के कारण होता है इसलिए ऐसे पानी का छींटा ज़्यादा तवे पर कभी भी नहीं देना चाहिए सबसे एक महत्वपूर्ण तो एक चीज़ बहनों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तवा रसोई में हर किसी को दिखना नहीं चाहिए यानी तवे को हमेशा रसोई में छुपा कर ही रखना चाहिए छिपा कर रखना चाहिए कई बार तो मैंने खुद देखा है जब मैं वास्तु देखने कई जगह जाता हूँ रसोई में तो तवे को उल्टा करके रख देते हैं बिल्कुल कभी भी नहीं करना चाहिए भूल कर भी तवे को उल्टा नहीं रखना चाहिए बहुत ख़राब और अशुभ माना गया है रात में जूठे बर्तन होते हैं उनके साथ भी तवा रख दिया जाता है ऐसा भी कभी नहीं करें तवे को तो अलग ही रखना चाहिए चूल्हा या गैस जो भी है जब तवा उसे उतारते हैं तो बंद करके यानी अग्नि जब बुझ जाती है तब ही तवे को उतारा जाना चाहिए एक बात विशेष ध्यान रखें तवे पर जो बनने वाली पहली रोटी गाय का और आखिरी रोटी पर कुत्ते का अधिकार है फिर या फिर आप चाहें तो चिड़ियों को डाल सकते हैं इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है गाय या कुत्ते को सिर्फ खाली रोटी नहीं दे गुड़ या शक्कर आदि के साथ देना जिससे धन की बरकत बनी रहे हाँ ध्यान रखें गाय को दिन में रोटी देनी चाहिए और कुत्ते को रात में रोटी देना बढ़िया माना गया है आखिरी रोटी जैसे 20 रोटी बनानी है तो उसमें आखिरी रोटी वो स्वयं खाने के लिए ना रखें वो कुत्ते के लिए या अलग से रख दें वो स्वयं अगर यूज़ करते हैं तो उस कहते हैं उसकी निर्णय शक्ति और चिंतन सही नहीं होता चिंतन उसका बदलता रहता है इसलिए व्यापार में भी उसको नुकसान होता रहता है आजकल एक नया कल्चर और चला कि रोटियां गिनकर बनाते ऐसा भी संभव हो तो ना करें गिनकर रोटियां रोटियाँ ना ये अशुभ व अमंगलकारी माना गया है जितना तव्य को साफ़ सुथरा उसका रख रखा वास्तु के अनुसार रखेंगे धन के आगमन के शुभ अवसर बढ़ेंगे बहुत लाभ देंगे महिलाएं हमेशा स्वस्थ रहेगी बच्चे योग्य निकलेंगे राहु ग्रह बहुत साथ देगा इसलिए ये तव्य को आप छोटी चीज़ ना समझें घर में तवे का जिस पे रोटी बनती है हम खाते हैं हमारा जीवन चलता है बहुत महत्वपूर्ण तो है तवा इसलिए जितने मैंने आपको ये सूत्र बताए हैं पॉइंट बताए हैं छोटे छोटे हैं इनका असर पूरे घर पे सब पे होगा पति पत्नी बच्चे जो भी घर में रहने वाले हैं सब पे व्यापार पे स्मृति मेमोरी पे सब पे इसका असर होता है इसलिए तवे का जितना रख रखाव आप करेंगे छुपा कर रखेंगे जो मैंने आपको बताया है उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर मेरा यूट्यूब चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें ताकि आपको नया नया वीडियो हमेशा मिलता रहे हाँ आपकी कोई कमेंट हो कोई प्रश्न हो कोई जिज्ञासा हो तो आप अवश्य मेरे को कमेंट कर सकते हैं समय मिलने पर आपको जवाब दिया जाएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद